हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मेरे चैनल अमित सैंगी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की हमारी डिश क्या बनाए आज? आज हम बनाएंगे मोमो की चटनी। मोमो बनाना तो सब ने सीख लिया, सब ने बहुत अच्छे से, मेरा ही चैनल थोड़ा लेट हो गया। चटनी रिलेटेड ही कुछ कुछ कन्फ्यूज़न है लोगों का, उसे क्लियर करते हैं एक अच्छी और टेस्टी चटनी कैसे बने। और मोमो की चटनी बना रहे हैं तो एक क्विक रेसिपी मोमो की भी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मोमो से रिलेटेड कुछ टिप्स, जैसे कि फ्राइड करते समय मोमो में चमक कैसे आए, मसाला कैसे बने, ऑल डैट। तो शुरू करें। मोमो की चटनी का ये पहला इंग्रेडिएंट ये मिर्ची, खड़ी लाल मिर्च। वैसे तो कश्मीरी लाल मिर्च लेते हैं तो काफ़ी सारी लेते हैं, ये मैंने नॉर्मल ली है तो 3 ही पीस लिए। और इसे अब आधा आधा करके और इसका बीज निकाल के पानी में थोड़ा गरम कर लेंगे ताकि इसका तीखापन थोड़ा और कम हो जाए। कश्मीरी लाल मिर्च इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए ये ली है। अब इसे एक मिक्सी के जार में लेकर हम इसमें 20 से 22 कली करी लहसुन लेंगे। ये इतनी लहसुन इसमें लग जाती है। और अब हम इसमें लेंगे लाल टमाटर, ये एक लाल टमाटर मैंने लिया है, आप चाहे तो 2 भी डाल सकते हैं। इसे पीस कट कट करके हम मिक्सी में चला के और एक पेस्ट बना लेंगे। ये इस पेस्ट में अब मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। अगर कश्मीरी खड़ी लाल मिर्च ली होती मैंने शुरू में तो काफ़ी सारी मिर्ची ली होती, और ये पाउडर नहीं डालती मैं। ये देखिए मैंने मिक्सी में एक बार और चला दिया है, कितना अच्छा कलर आ गया है। कुछ लोग इसे ऐसे कच्चा खाना ही पसंद करते हैं, सिर्फ इसमें विनेगर डालते हैं थोड़ा सा और टोमेटो केचप। बट हम इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि इसमें टमाटर का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें विनेगर डालेंगे, टोमेटो केचप नहीं डालूंगी मैं। और अब इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे, आप चाहें तो टोमेटो केचप डाल सकते हैं, उससे थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है। और इसमें अब डालेंगे हम 1 चम्मच करीब, खाने का ही छोटा चम्मच, रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। अगर आप इसे कच्चा खाना पसंद करें चटनी को बिना बॉयल किए, तो आप पीसते समय ही 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दें इसमें। मैंने तब नहीं डाला था इसीलिए अभी डाल रही हूँ। ये 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है। और अब इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और हमारी चटनी फिर बन के रेडी। ये चटनी को जरूर ट्राई करें, काफ़ी ईजी रेसिपी है। और आप जैसे खाना चाहें, गरम करके, कच्ची, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अब मोमो की चटनी तो रेडी हो गई है, तो फिर एक क्विक रेसिपी मोमो के लिए भी, मोमो भी बना लेते हैं। मोमो बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए ये सब्जियाँ, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और अदरक, ये आधा किलो के करीब पूरी सब्जियाँ हैं। और इसमें ये डालेंगे नमक और अब डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब इसे थोड़ी देर रख लेंगे इसका पानी निकल जाए, और जब तक इसका मैदा लगा लेंगे। ये 2 कप करीब मैंने मैदा लिया है, इसमें नमक और थोड़ा सा खाने का सोडा और 1 से 2 चम्मच करीब रिफाइंड ऑयल, मैंने ये 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। इसका आटा लगा लेंगे, ना ज़्यादा आटा सख्त होना चाहिए ना नरम, हमें इसे बहुत पतला पतला बेलना रहता है क्योंकि आटा रेडी हो गया है। और इसकी सब्जियों को ना अब हम पानी छोड़ चुके होंगे, ये मैंने निचोड़ के सब्जी एकदम पानी निकाल दिया है, और मोमोज अपने डिज़ाइन से रेडी कर लेंगे। ये कढ़ाई के ऊपर छलनी रख के मैंने अपने मोमोज बनाए हैं, ये कॉमन शेप। इसको स्टीम कराएंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए मेरे मोमोज बन के रेडी हैं, और कुछ मोमोज हमने फ्राई भी किए हुए हैं, उसको मैंने अलग शेप दिया हुआ है। लेकिन फ्राई करने के पहले इनको भी मैंने स्टीम किया है, डायरेक्टली फ्राई नहीं किया है। अब मोमो से रिलेटेड कुछ टिप्स, अगर आप मोमो में सब्जियों को पहले से थोड़ा फ्राई करना के डालना पसंद करते हैं, तो एक पतला बर्तन लीजिए और उसे बहुत तेज़ गर्म कीजिए और उसमें सारी सब्जी डाल के जल्दी जल्दी घुमाइए, सिर्फ 30 सेकेंड। मसाला डालिए, नमक, काली मिर्च, तेल थोड़ा सा, और निकाल दीजिए, उससे ज़्यादा ऐसे मत करें। और अगर आप मोमोज को फ्राई करके खाना पसंद करते हैं तो भी पहले थोड़ा स्टीम कर लें
उसके बाद फ्राई करें तो टेस्ट अच्छा आता है। और ये जो मोमो में आप चमक देख रहे हैं, ये इसीलिए कि स्टीम करने के बाद मैंने सारे मोमो पे थोड़ा सा नमक छिड़क दिया था, उसके बाद डीप फ्राई किया है, उसी से ये चमक आती है। तो आप ही ये मोमो की चटनी, मोमो की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये टिप्स भी अपना के देखें, कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगने पर, रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।